आइसोमर्स। बेटा सबसे पहले हम लोग आइसोमर्स तो डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये दो फॉर्मूलाज को देखें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का। अब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये जो फार्मूला है ये है एक लॉन्ग चेन कार्बन एटम की, और इसको हम लोग एन पेंटेन बोल सकते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से जो ये स्फिक्सेस यूज होते हैं। तो इट इज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इट इज एन ब्यूटेन, ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। और जो ये वाली है ये भी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, लेकिन इसको हम लोग आइसो ब्यूटेन बोलेंगे। जब यहाँ पर बीच में सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक ग्रुप आ जाए तो इसको हम कहते हैं आइसो, और अगर सेकंड लास्ट पोजीशन में दो ग्रुप आ जाए उनको हम लोग नियो बोलते हैं। लेकिन फॉर्मूला तो सेम है, ए भी ब्यूटेन है और ए भी ब्यूटेन है, फॉर्मूला सेम है। कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4। चलो जी, 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 5, 3 और 2, 5, 5 और 2, 7, 7 और 3, 10। यहाँ पर कितने हैं, 3 और 3, 6 और 3, 9 और 1, 10। दोनों में C4H10, मीनिंग आइसोमर्स क्या हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है, ये भी C4H10, ये भी C4H10। सो द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। इसके स्ट्रक्चर अलग से दिख रहा है और इसका स्ट्रक्चर अलग से दिख रहा है। सो व्हाट आर आइसोमर्स, आइसोमर्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसो मर्ज। अब जो ये अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। जो ये बेटा अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी। जैसे अगर हमने C4H10 के आइसोमर्स बनाने हैं तो एक तो लॉन्ग चेन में बन जाएगा, दिस इज लॉन्ग चेन, और एक इसको आइसो की फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। एक ये ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन एंड ब्यूटेन, स्टेट चेन में हमेशा एन लगा होगा और इट इज आइसो ब्यूटेन, मीनिंग स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। ये भी C4H10 ही है और ये भी C4H10 है। सो जो मॉलिकुलर फार्मूला है ये सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है। अब इसी से बन गया कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, द फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला, C4H10, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब कोई भी ले लो, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, C4H10 भी एक एग्जांपल हो सकता है आइसोमेरिज्म का। जैसे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये C4H10 है, इसको हम लोग ब्यूटेन, ब्यूटेन को एन ब्यूटेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है, C4H10 ही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि C4H10 टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, टू। वन स्ट्रक्चरल आइसोमर एन ब्यूटेन है और दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर आइसोब्यूटेन है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन ये है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ओके, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ये पेंटेन। अब एक कार्बन के पास बेटा आपने चार बॉन्ड लगाने हैं, 1, 2, 3, 4। ये देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। एक कार्बन के पास आप चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं लगाओगे, 1, 2, 3, 4। अब जो जो आपने ये बॉन्ड्स बनाए इनके आसपास आप लोग HH लगा दीजिए, हाइड्रोजन एटम्स, यही ठीक है। सो ये जो हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा पेंटेन में, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बन जाएगा। तो ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन एटम है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो इसको आप लोग एन पेंटेन बोलोगे। जब भी लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम लोग एन किसके साथ, एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। आप देखते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। अब इसके बाद आइसोपेंटेन, ये भी पेंटेन है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, ये भी पेंटेन है। लेकिन यहाँ पर आइसो में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो टू फॉर्म पे शिफ्ट हो जाएगा, 1, 2, 3,
फोर, मैंने कार्बन एटम्स की काउंटिंग की 1, 2, 3, 4 और जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सी एच थ्री प्रेजेंट है, अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सी एच थ्री प्रेजेंट है, इसको आर अल्काइल ग्रुप भी आप लोग बोलते हो। सो यहाँ पर जो ये एक, यहाँ से जो हमने एक ग्रुप है इस ग्रुप की हमने शिफ्टिंग कर दी कहाँ पर, पोजिशन नंबर 2 के ऊपर ले आए और इसको हम लोग आइसोपेंटेन या फिर 2-मिथाइल ब्यूटेन भी बोलते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और 2 पोजिशन पे ये अल्काइल ग्रुप जिसको जो मिथाइल लगा है, सो इट इज़ 2-मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सो इट इज़ 2-मिथाइल ब्यूटेन या फिर इसको आइसोपेंटेन। सेकेंड पोजिशन पर आए एक अल्काइल ग्रुप तो इट इज़ आइसो, और अगर जो हमारे पास सेकंड पोजीशन है उसमें 2 ग्रुप आ जाएं इकट्ठे तब ये नियो। अब देखें मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, एक तो इसको नियो पेंटेन बोलेंगे, और अगर आप देखें तो ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम। अब 2 कार्बन एटम पे जो ये वाला ग्रुप है ये एक अल्काइल ग्रुप है, और जो ये है सी एच थ्री ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मीनिंग कौन कौन से, सी एच थ्री ये अल्काइल ग्रुप है, या सी टू एच फाइव ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। ओके, तो सी एच थ्री ग्रुप यहाँ पर, सी एच थ्री ग्रुप यहाँ पर, 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, मीनिंग डाई हो गया। सो इसको हम बोलेंगे 2 आ गए इधर 2 पोजीशन पर 2 ग्रुप, तो हम इसको बोलेंगे 2-2-डाई-मिथाइल-मीथेन-इथेन-प्रोपेन। हमने 3 ही कार्बन एटम की काउंटिंग लेनी है, इसके लिए आपको नॉमेनक्लेचर सीखना पड़ेगा कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो एक इसका नाम है 2-2-2-डाई-मिथाइल, 2 ग्रुप्स लगे हैं, मिथाइल ग्रुप है ये CH3 मिथाइल ग्रुप, सो 2-2-डाई-मिथाइल-मीथेन-इथेन-प्रोपेन। ओके, और यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप लगा है 2 पोजीशन पे, सो इट इज़ 2-मिथाइल-मीथेन-इथेन-प्रोपेन-ब्यूटेन। और अगर इसका एक और नाम हो सकता है आइसोपेंटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, इट इज आइसोपेंटेन। सेकंड पोजीशन पर एक ग्रुप लेना है, और काउंटिंग हमेशा ग्रुप के पास से स्टार्ट होगी कि कहाँ ग्रुप पास में पड़ रहा है, तो और इसको हम बोलेंगे नियो पेंटेन। तो ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं पेंटेन के, जहाँ मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम ही है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग हैं, ये अलग स्ट्रक्चर, ये अलग स्ट्रक्चर, ये अलग स्ट्रक्चर। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैथ साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रेपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।